हो रहा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। दूसरा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन सब का बना है वह यह है कि इन सब के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार जिसने नहीं किया हो। तो इनके जो ईडी और सीबीआई के केस हैं, जो भी सीएमपी में प्रधानमंत्री बनेगा उसका काम रहेगा कि सभी ईडी और सीबीआई के हम पर जो जांच चल रही है, जो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वह सब समाप्त करना होगा। और तीसरा इनका जो उद्देश्य है, जिसको हमारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी वहां बोला कि सबके बैंक खाते ये बंद करा देंगे, इनको बहुत अखरता है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी 26 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में अभी तक दे चुके हैं। इनको यही ख्वाब आता है कि अगर ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर मोदी जी गरीबों के खाते में नहीं दिए होते तो ये सरकारी अफसरों से बंटवा के हम हजारों करोड़ इसमें से वसूले होते। और यह दर्द हम लोगों ने देखा कि जब बिहार के जो खाता खुलवाए हैं, अगर खाता खुलवा के ईमानदारी से पैसा रखते तो ये 10,000 करोड़ के चारा घोटाला में नहीं फंसते, और कल भी उसके खिलाफ सजा हो रही है। तो इनका तीसरा खुल के बोल दिया कि जो खाता खुला है ये सब बंद कर देंगे, पर यह उन्होंने नहीं बोला कि जो पैसा गरीबों को मिल रहा है वह सारा पैसा सरकारी अफसरों के माध्यम से बंटवाया जाएगा। कुल मिला के दो दिन मुंबई में 500 रुपया का मिनरल वाटर प्रति बोतल पी करके यही तीन नतीजा निकला। इसके अलावा क्या निकला वो कोई चीज तय नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है, और इसी कारण गरीबों को इतने कल्याणकारी योजनाएं उनके सीधे खाते में जा रही हैं। अब वो राजीव गांधी वाला हाल नहीं है कि कोई कहे कि 1 रुपया हम बेचते हैं तो 15 पैसा जाता है। पूरा ये जो घमंडिया गठबंधन है उसका यही उद्देश्य है कि फिर से हम 1 रुपया भेजे तो गरीबों के पास 15 पैसा जाए, 85 पैसे हम मार दें। सऊदीया में जाकर के जरा पूछिए कि मोहम्मद साहब का कोई जन्मदिन मनता है क्या? नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब आप दूसरों को विशेष छुट्टी देते हैं, जो कि छुट्टी इस्लामिक कंट्री में भी नहीं होता है, और आप जहां पे जो लगातार जो छुट्टियों का दिन है, रक्षाबंधन के दिन का आप नतीजा देख लीजिए, कितने छात्र आए? कोई छात्र नहीं आए। छठ में आप स्कूल चला करके कितने छात्र बुला लीजिएगा? तो ये शिक्षा में सुधारों, मैं तो जब प्रदेश अध्यक्ष था और एनडीए की थी तब भी मैं कहता था कि ये बिहारी है और हमेशा से शिक्षा विभाग जदयू में रहा है, और 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स 6 साल करा करके ये अपना वाहवाही मानता है। आज शिक्षा विभाग वहां से जो गया है उनको भी काम धंधा एक ही है कि रामचरित मानस पर विवाद करना, इसके अलावा तो आज के शिक्षा मंत्री का कोई दूसरा काम नहीं है।